हेलो फ्रेंड्स, मैं सिल चंदन कुमार सिंह। ये थर्मोडायनेमिक्स का 14th पार्ट है। लास्ट पार्ट में वो डिस्कस किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 255 तक, क्वेश्चन नंबर 256। द आइडियल इफिशियंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल विथ रीजनरेशन। ब्रेटन साइकिल है लेकिन रीजनरेशन है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसका इफिशियंसी जो होगा वो प्रेशर रेशियो के साथ कैसे चेंज करेगा। विथ इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो अगर बढ़ता है तो इफिशियंसी उसका क्या होगा ब्रेटन साइकिल का जब रीजनरेशन होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं रीजनरेशन क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रेटन साइकिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये है ब्रेटन साइकिल आपका। ब्रेटन साइकिल को जूल साइकिल भी बोलते हैं और ये गैस टर्बाइन प्लांट में यूज़ होता है। ये यूज़ होता है गैस टर्बाइन प्लांट में। इसमें एक कंप्रेशर होता है और उसका कंबसन चेंबर होता है और उसका टर्बाइन होता है। एयर यहाँ से इंटर करता है कंप्रेशर में, कंप्रेशर में कंप्रेस होने के बाद प्रेशर उसका बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसको हम कंबसन चेंबर में लेके जाते हैं, वहाँ फ्यूल इंजेक्ट करते हैं और उसमें उसको बर्न करते हैं। बर्न करते हैं जो कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन जो यहाँ पर होता है। उसके बाद उसको हम एक्सपैंड करते हैं थ्रू द टर्बाइन, तो टर्बाइन से हमको जो नेट वर्क डन निकलता है वो WT निकलता है। तो उस WT में से कुछ वर्क डन हम कंप्रेसर को रन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो नेट वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, WT टर्बाइन से निकला हुआ वर्क माइनस WC जो कंप्रेसर में यूज़ किए, ये है WNET। WNET इज इक्वल टू दिस मच। अब रहा बात कि जो गैस यहाँ से बाहर निकला है, टरबाइन से बाहर निकला है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। इस टेम्परेचर को अगर हम यूटिलाइज करते हैं कंबसन चेंबर से पहले, मतलब यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं फॉर हीटिंग पर्पज़, हीटिंग पर्पज़ के लिए, दैट मीन्स दिस एनर्जी इज़ यूज फॉर हीटिंग पर्पज़ ऑफ द एयर। सो दिस प्रोसेस नोन एज रीजनरेशन। रीजनरेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, अगर रीजनरेशन हम लोग यूज़ नहीं करते थे तो उस पर्टिकुलर केस में PV डायग्राम और TH डायग्राम आपको पता होगा। तो ये है आपका, मान लीजिए कि रीजनरेशन ये टर्म नहीं है यहाँ पर, तो ये कंप्रेशर है। कंप्रेशर में एंट्री वन से टू तक, टू से कंबसन चेंबर में जाएगा और कंबसन चेंबर में कॉन्सेंट्रेशन हीट एडिशन होगा और उसको टर्बाइन से वर्क एक्सट्रैक्ट होगा। तो जो TS डायग्राम मेरा होगा इस पर्टिकुलर केस में, वो TS डायग्राम वन से टू जो होगा, वन से टू कंप्रेशर में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, टू से थ्री कंबसन चेंबर में और थ्री से फोर आपको टर्बाइन में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। और अगर यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं टर्बाइन से बाहर निकलवा एक हीट एक्सचेंजर यूज़ कर लेते हैं, तो वो ये लाइन देगा कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन का। तो इसमें जो हीट मेरा चार नंबर से बाहर निकला है उसको हम रीयूज़ कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर एयर कमिंग आउट एट द पॉइंट फोर इज़ यूज्ड, इसको हम यूज़ कर ले रहे हैं। ये एयर आपका इस तरह से पास होकर यहाँ निकलेगा, जो वन बी द एंट्री ऑफ द कंप्रेशर एंड टू बी द एग्जिट ऑफ द कंप्रेशर। टू जो जाएगा, टू से जो निकला है, ये यहाँ पर हम रीजनरेशन एक हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं जहाँ पर हीट एक्सचेंज करता है आपस में। दैट मीन्स फोर से लेकर सिक्स तक दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी जो यूज़ हुआ फोर से लेकर के सिक्स तक जो एनर्जी है वो यूज़ करता है टू से लेकर फाइव तक। मतलब दिस एनर्जी गोज टू दिस, फोर टू सिक्स का जो भी एनर्जी था उसके वजह से ये चीज़ क्या हो गया, गर्म हो गया। उसके बाद जो फाइव नंबर पॉइंट मतलब कमिंग आउट ऑफ द रीजनरेटर से जो बाहर निकल रहा है फाइव नंबर पॉइंट, और फाइव नंबर से लेकर थ्री नंबर पॉइंट तक, दिस पॉइंट इज फाइव नंबर, फाइव से थ्री जो कंबसन चेंबर में होता है जहाँ पर हीट ऐड होता है जनरली, और थ्री से फोर जो आपका टर्बाइन में है, और सिक्स से लेकर वन तक, दैट मीन्स यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर यूज़ करेंगे, दैट मीन्स सिक्स नंबर, और यहाँ पर कंप्रेसर में एंट्री होगा वन, सिक्स से लेकर वन तक यहाँ पर हीट रिजेक्ट होगा, क्यू रिजेक्ट होगा हीट। तो ये मेन रिजेक्शन जो आपका हीट का है वो ये है, और हीट एडिशन आपका ये है, थ्री से लेकर फाइव तक हीट एडिशन है। और ये वाला जो एनर्जी है, दैट मीन्स दिस एनर्जी, फोर से लेकर सिक्स तक का एनर्जी आपका टू से फाइव तक वो चला गया, दैट मीन्स दिस एनर्जी इज गो टू दिस, यहाँ चला गया, दैट मीन रीजनरेट हुआ यहाँ पर, मतलब हीट जो है वो दिया गया। तो इस पर्टिकुलर केस में
जो मेरा हीट एडिशन है, हीट एडिशन है, तो यहाँ पर एक बात कहा गया है, इफ़ वी इंक्रीज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा। तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को इंक्रीज करने के लिए, अभी हीट एडिशन मान लीजिए कि टोटल हीट एडिशन हो रहा होता है यहाँ पर, तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या था, अप्रोक्स इसका मीन पॉइंट था। तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को अगर हम इंक्रीज कर दें तो हम जानते हैं एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है 1 माइनस हीट रिजेक्शन बाय हीट एडिशन, टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। अगर हीट एडिशन वाले को हम बढ़ा देते हैं, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, मीन टेम्परेचर हीट एडिशन को हम बढ़ाते हैं तो मेरा एफिशिएंसी क्या होगा, ये बढ़ेगा तो पूरा टर्म घटेगा, पूरा टर्म घटेगा घटेगा दैट मीन एफिशिएंसी मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो मेरा मेन टारगेट है मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, अभी मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ये है, हमको मीन टेम्परेचर हीट एडिशन इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीजनरेशन करते हैं। रीजनरेशन मतलब यहाँ से एनर्जी लेकर के यहाँ दे दिए, मतलब 4 से लेकर 6 तक के एनर्जी को हम 2 से लेकर 5 तक ये दे दिए, तो अब जो मेन हीट एडिशन हो रहा है वो 3 से लेकर 5 तक हो रहा है। तो इसका मीन टेम्परेचर हीट एडिशन क्या होगा, तो ये होगा कम से कम इसका मीन पॉइंट, जो कि पहले के मीन पॉइंट से ज़्यादा है। तो इस तरह से जब हम रीजनरेशन करते हैं तो मेरा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन मेरा इंक्रीज हो जाता है, और जब मेरा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज होता है, इफ़ वी इंक्रीज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन देन थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इंक्रीजेस। दूसरा, क्योंकि हम इफिशियंसी जानते हैं दिस मच, अगर ये वाला डिनोमिनेटर वाला टर्म इंक्रीज होगा तो इफिशियंसी बढ़ेगा, और टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन अगर घटाएंगे, अगर टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन का बात करें, टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन अगर घटाएंगे, एवरेज टेम्परेचर हीट रिजेक्शन घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो कह रहा है इफ़ वी डिक्रीज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन का मीन टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करते हैं देन द थर्मल इफिशियंसी इंक्रीजेस। अब अगर मान लीजिए रीजनरेशन आप नहीं कर रहे होते, रीजनरेशन नहीं कर रहे होते तो टोटल 4 से लेकर 1 तक हीट रिजेक्ट होता, टोटल 4 से लेकर 1 तक हीट रिजेक्ट होता, उसका मीन टेम्परेचर क्या होता है, अप्रोक्स ये होता है मीन टेम्परेचर हीट रिजेक्शन। नाउ अब क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हीट रिजेक्ट हो रहा है 6 से लेकर 1 तक, इसका मीन टेम्परेचर ये, तो वो पहले के कंपेरिजन में, पहले जो मीन टेम्परेचर हीट रिजेक्शन से कंपेरिजन में ये जो मीन टेम्परेचर हीट रिजेक्शन जो है ये कम है, दैट मीन्स मीन टेम्परेचर हीट रिजेक्शन अगर घटाएंगे तो एफिशिएंसी मेरा बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग रीजनरेशन करते हैं एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। नाउ अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इफिशियंसी निकालना चाहें तो इफिशियंसी जो मेरा कैसे निकलेगा, इफिशियंसी निकलेगा 1 माइनस Q रिजेक्टेड बाय Q एडिशन। क्यू रिजेक्टेड कहाँ हो रहा है, तो क्यू रिजेक्टेड यहाँ पर हो रहा है। क्यू एडिशन कहाँ हो रहा है, तो क्यू एडिशन यहाँ पर हो रहा है। तो अगर क्यू रिजेक्टेड हम लिखने की कोशिश करें तो H6 माइनस H1 लिखेंगे, क्योंकि 6 और 1 रिजेक्ट हो रहा है तो H6 माइनस H1 लिखेंगे। अच्छा, और क्यू एडिशन का बात करेंगे तो हीट चूंकि ऐड कर रहे हैं तो H3 माइनस H5 लिखेंगे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो इफिशियंसी है उसको इस फॉर्मेट में लिखें, और इनथैल्पी हम जानते हैं CP × dH = CpdT। तो dH जो है H6 माइनस H1 को हम CP × T6 माइनस T1 बोल सकते हैं, H3 माइनस H5 को हम बोल सकते हैं CP × T3 माइनस T5। CP ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो गया, तो आपका जो है इफिशियंसी जो है मेनली टेम्परेचर के फॉर्म में इस तरह से डिपेंड करता है ना। इफिशियंसी को और भी दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं क्यू एडिशन जो है वो क्यू एडिशन यहाँ पे हो रहा है तो क्या होगा H3 माइनस H5। वर्क ऑफ टर्बाइन, टर्बाइन से जो वर्क निकलता है वो क्या होता है H3 माइनस H4। एक बात और नोटिस करना कि यदि परफेक्ट रीजनरेशन होगा, अगर परफेक्ट रीजनरेशन होगा दैट मीन H4 = H5, जो 5m नंबर यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये 5 नंबर का जो टेम्परेचर होगा, जो इंथैल्पी होगा, वो 4 नंबर का इंथैल्पी होगा, क्योंकि 4 नंबर जो एनर्जी है वो एनर्जी दे रहा है, तो देने के बाद जो ये गैस है वो गैस, जो भी गैस पार्टिकल आगे बढ़ेगा उसका एनर्जी वही हो जाएगा जो 4 का रहेगा, अगर परफेक्ट रीजनरेशन होगा तब, दैट मीन्स अगर परफेक्ट रीजनरेशन होगा तो हम कह सकते हैं कि H4 = H5। और यहाँ से भी आप उसको क्लियर देख सकते हैं कि चूंकि जब परफेक्ट रीजनरेशन होगा तो जो टेम्परेचर 4 का होगा वही टेम्परेचर 5 का भी होगा, मतलब टेम्परेचर दोनों पॉइंट का सेम होगा, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि दो पॉइंट जो है दो से लेकर पाँच तक जो एनर्जी हम दिए हैं वो 4 से लेकर 6 तक जो एनर्जी लॉस किया है वही, जो भी लॉस किया है L, वही L यहाँ पर हम दिए हैं, तो दैट मीन्स जितना एनर्जी लॉस किया है ये, इसका 5 नंबर का जो एनर्जी है वो 4 नंबर का एनर्जी, अगर दोनों का एनर्जी बराबर है तो हम कहेंगे कि वो परफेक्ट रीजनरेशन है।
तो H4 बराबर H5 अगर हम करें, तो H4 बराबर H5 अगर हम करें तो उस पर्टिकुलर बेसिक बोलेंगे कि वो रीजनरेशन है। अगर रीजनरेशन है H4 H5 के बराबर है, तो यहाँ पर H4 की जगह हम H5 रख देंगे तो सेम चीज़ मिलेगा, मतलब Q एडिशन और WT दोनों सेम चीज़ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में H4 H5 बराबर है, तो उस पर्टिकुलर केस में Q एडिशन बराबर वर्क ऑफ टर्बाइन, Q एडिशन बराबर वर्क ऑफ टर्बाइन। सिमिलरली वर्क ऑफ कंप्रेशर कैसे निकालेंगे, वर्क ऑफ कंप्रेशर, तो वर्क ऑफ कंप्रेशन यहाँ है, कंप्रेशर का होता है 2-1, तो H2-H1। नाउ तो हम जानते हैं इफिशियंसी बराबर, इफिशियंसी इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट वर्क ट्रांसफर, डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू एडिशन, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट डब्ल्यू नेट क्या है, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी। और क्यू एडिशन, अभी देखिए कि क्यू एडिशन जब परफेक्ट रीजनरेशन होगा तो क्यू एडिशन डब्ल्यू टी के बराबर होगा, इसलिए क्यू एडिशन की जगह पर डब्ल्यू टी रखें हम। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस डब्ल्यू सी बाई डब्ल्यू टी। डब्ल्यू सी अभी अभी निकाल चुके हैं हम लोग, H2-H1 डब्ल्यू सी और WT H3-H4। इसको टेम्परेचर फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें तो ऐसा लिखेंगे T2-T1 अपॉन T3-T4। यहाँ से अगर हम ऊपर से न्यूमरेटर से T1 बाहर निकाल लें, न्यूमरेटर से T1 अगर बाहर निकाल लें, तो यहाँ पर चूंकि फर्स्ट टर्म में आपका T1 है नहीं, T1 नहीं है, तो यहाँ पर इसको डिनोमिनेटर में T1 चला जाएगा, और यहाँ पर T1 है इसलिए 1 हो जाएगा, यहाँ पर T1 जब बाहर निकाल, और डिनोमिनेटर से अगर T3 बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर T3 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और T3 नहीं है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। दैट मीन हमको इस तरह से लिख सकते हैं इसको ना। हम ये जानते हैं कि जो मेरा ब्रेटन साइकिल है उसका TS प्लॉट अगर हम प्लॉट करें तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो 1 से 2 जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ये पॉइंट को हम 5 नंबर बोले थे, 5 का टेम्परेचर और 4 का टेम्परेचर सेम बोले थे, और ये 6 नंबर टेम्परेचर। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रोसेस है 1 से 2 ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो 1 से 2 अगर आइसेंट्रोपिक है तो आइसेंट्रोपिक का रिलेशन हम लोग को पता है दिस मच, और 3 से 4 भी मेरा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, 3 से 4 मेरा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो उसके लिए भी रिलेशन दिस मच याद होना चाहिए आपको। T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 to the power gamma-1/gamma, और T4/T3 इज इक्वल टू P4/P3 to the power gamma-1/gamma। यहाँ पर एक बात और नोटिस करना है कि ये वाला मान लीजिए ये जो है 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट, तो जो प्रेशर 3 का है वही प्रेशर 2 का है, प्रेशर चूंकि सेम है, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, तो P3 बराबर P2। तो जहाँ पर P3 है वहाँ पर P2 रख दिए, और जहाँ P4 है वहाँ P1 रख दिए, P4 इज इक्वल टू P1। अब हम ये बात जानते हैं RP प्रेशर रेशियो जो होता है वो P2/P1 के बराबर होता है, हाइयर प्रेशर बाई लोअर प्रेशर। तो P2/P1 के जगह हम RP तो रख सकते हैं, RP to the power gamma-1, और यहाँ पर P1/P2, तो P1/P2 की जगह 1/RP रख सकते हैं, क्योंकि RP इज इक्वल टू P2/P1, तो P1/P2 इज इक्वल 1/RP। इस चीज़ को अगर उठा करके हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दें, ऊपर का एक्सप्रेशन क्या है, 1 है तो 1 लिखा हुआ है, T1/T3 लिखा हुआ है, नेक्स्ट है T2/T1, तो T2/T1 का वैल्यू होता है दिस मच, और ये है क्या RP टू द पावर, ये RP है, RP टू द पावर गामा-1/गामा, माइनस वन डिवाइडेड बाई 1, तो 1 माइनस T4/T3 इज इक्वल टू दिस मच, तो इज इक्वल टू दिस मच। यहाँ पुट करने के बाद इसको जब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमको ये देगा, ये हमको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देगा ये RP डिनोमिनेटर, इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, RP डिनोमिनेटर में चल जाएगा RP-1, RP टू द पावर गामा-1, और ऊपर में RP टू द पावर गामा-1, और नीचे में RP टू द पावर गामा-1, ये वाला चीज़ ऊपर चला जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होने के बाद रीजनरेशन का जो इफिशियंसी देगा वो ये इफिशियंसी हमको देगा। यहाँ से क्लियर है कि RP अगर बढ़ाएंगे, RP बढ़ेगा तो इफिशियंसी मेरा घटेगा, क्योंकि RP यहाँ पर अगर बढ़ेगा तो ये पूरा टर्म बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो E1 में से घटाएंगे, दैट मीन पूरा टर्म क्या होगा, घटेगा। तो विथ रीजनरेशन, व्हेन RP इंक्रीजेज, विथ रीजनरेशन जब RP इंक्रीज करते हैं देन इफिशियंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब रीजनरेशन होगा तो जैसे जैसे RP हम इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे मेरा इफिशियंसी क्या होगा, ड्रॉप कर रहा है।
लेकिन विदाउट रीजेनरेशन, जब रीजेनरेशन नहीं था तो उस पर्टिकुलर केस में जैसे आर पी बढ़ा रहे थे तो मेरी इफिशियंसी भी मेरा बढ़ रहा था। तो ब्रेटन साइकिल का इफिशियंसी ऐसा होता है, लेकिन वही ब्रेटन साइकिल जब रीजेनरेशन यूज़ करते हैं तो इफिशियंसी आपका ऐसा होता है। ये दोनों बात याद रखिएगा कि जब रीजेनरेशन हो तो इफिशियंसी आपका क्या होता है, घटता है। इफिशियंसी क्या होता है, घटता है। और जब रीजेनरेशन नहीं हो तब इफिशियंसी क्या होता है, बढ़ता है। जब रीजेनरेशन नहीं हो तो उसका इफिशियंसी आपको याद होगा 1 - 1/RP^1। इफिशियंसी जो था वो क्या था, 1 - 1/RP^γ - 1/γ, ये था। आर पी अगर बढ़ाएंगे तो आपका इफिशियंसी भी बढ़ेगा। ये कब हो रहा था, तो जब सिर्फ सिंपली ब्रेटन साइकिल के बारे में बात किए थे तब के केस में जब आरपी बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी मेरा बढ़ेगा, लेकिन जब रीजेनरेशन यूज़ करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जब आरपी बढ़ाते हैं हम, मतलब प्रेशर रेशियो बढ़ाते हैं, तो मेरा इफिशियंसी क्या होता है, घटता है। ये ध्यान रखिएगा। डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग साइकिल यूज फॉर एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन। एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन केस में हम लोग रिवर्स ब्रेटन साइकिल यूज करते हैं, या उसी को हम लोग बोलते हैं बेल कोलमैन साइकिल। इसको भी हम पिछले पार्ट में देख चुके थे कि बेल कोलमैन साइकिल क्या होता है और रिवर्स ब्रेटन साइकिल क्या होता है। दोनों का दोनों सेम चीज़ है, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपका दोनों दिया हुआ है, आप उसमें से एक मारना है तो कोई भी एक मार दीजिए, बेल कोलमैन साइकिल। नेक्स्ट है गैस टर्बाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ। गैस टर्बाइन जो है जिसको जूल साइकिल या ब्रेटन साइकिल बोलते थे, उसमें क्या होता था, दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता था। अभी भी देखे तो उसको आप लोग, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर, आइसेंट्रोपिक कांस्टेंट प्रेशर, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, दिस इज पीवी डायग्राम। मतलब दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये कंप्रेशन, ये एक्सपेंशन, ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ये कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो इसमें क्या है, दो आइसेंट्रोपिक एंड टू कांस्टेंट प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक डिफरेंस। थर्मोडायनेमिक डिफरेंस बिटवीन द रैंकन साइकिल वर्किंग विथ सेचुरेटेड स्टीम एंड द कार्नो साइकिल। कार्नो साइकिल में दो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, और रैंकन साइकिल में क्या होता है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। नाउ यहाँ पर एक बॉयलर लगा होता है, रैंकन साइकिल में एक बॉयलर होता है, बॉयलर के बाद टर्बाइन होता है, और यहाँ पर कंडेंसर होता है, और यहाँ पर पंप होता है। बॉयलर में जो होता है वो स्टीम जनरेट होता है, बॉयलर में स्टीम जनरेट होता है, ये कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन जो स्टीम जनरेट हुआ वो टर्बाइन में गया, टर्बाइन में वो एक्सपैंड होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, और वहाँ से जो बाहर निकलता है तो कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है। और पंप में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, मतलब वर्क देते हैं, कंप्रेस करते हैं उसको, पंपिंग प्रोसेस है। तो ये चार प्रोसेस को मिलाकर जो बनता है इसको बोलते हैं रैंकन साइकिल। लेकिन जैसे कि मान ले रहे हैं कि जो हीट एडिशन है और हीट रिजेक्शन है, ये दोनों यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन एंड कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ये अगर कांस्टेंट प्रेशर ना होता, आइसोथर्मल होता, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता, तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट अगर होता तो उसको हम बोलते हैं कार्नो साइकिल। कार्नो साइकिल में दो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। तो अगर हम पीवी डायग्राम का बात कर रहे हैं, पीवी डायग्राम का बात कर रहे हैं, तो पीवी डायग्राम इस पर्टिकुलर रैंकन साइकिल का पीवी डायग्राम आपको ये देखने को मिलेगा। वन से टू जो देखने को मिल रहा है आपको, वो वन से टू आपका टर्बाइन में है। वन से टू कहाँ है, टर्बाइन में, वन से टू टर्बाइन में। टर्बाइन जो है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। तो वन से टू आपका ये लाइन भी हो सकता है, ये लाइन भी हो सकता है, और ये लाइन भी हो सकता है। अब कौन सा लाइन है तो वो डिपेंड करता है कि उसका इनिशियल कंडीशन कैसा है। अगर सुपर हीटेड है तब तो ये वाला लाइन होगा आउटर मोस्ट जो दिख रहा है आपको। अगर ड्राई सेचुरेटेड होता तो यहाँ तीन तरह का है। इनलेट जो इसका है, इनलेट पॉइंट जो है, ये टू फेज रीजन है। टू फेज मतलब यहाँ पर दो फेज, लिक्विड प्लस गैस दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब लिक्विड और वेपर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी इस साइड को हम सुपर हीटेड बोलते हैं, इस साइड को सब कूल्ड बोलते हैं। अगर वन डबल प्राइम की बात कर रहे हैं तो वन डबल प्राइम में क्या होता है कि जो लिक्विड इंटर करता है आपका टर्बाइन में, वो सुपर हीटेड कंडीशन में रहता है, सुपर हीटेड कंडीशन में रहता है। दैट मीन्स वो ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है, ये सुपर हीटेड कंडीशन में एंट्री करता है, और जो एग्जिट करता है वहाँ से जो बाहर निकलता है उसमें लिक्विड प्लस गैस दोनों है, एग्जिट कर रहा है। तो ये सुपर हीटेड स्टीम के बारे में बात कर रहा है। और अगर ये एंट्री पॉइंट है तो ये है ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। ड्राई सेचुरेटेड स्टीम अगर इंटर कर रहा है तो उसका एंट्री पॉइंट ये होगा और एग्जिट पॉइंट आपका ये होगा। एग्जिट पॉइंट में भी वाटर प्लस वेपर दोनों एग्जिट करेगा, और इस पर्टिकुलर में एंट्री पॉइंट जो है वो टू फेज रीजन वो इंटर करता है, इससे ब्लेड ऑफ द टर्बाइन डैमेज होने का चांसेस है।
क्योंकि वो इंटरचेंज जब कर रहा है तो उसी वक्त जो उसमें लिक्विड और वेपर दोनों का दोनों है, इसको हम बोलते हैं वेट स्टीम कंडीशन। ये तीन तरह का स्टीम कंडीशन है। तो वन से टू जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक, तो आइसेंट्रोपिक का लाइन ऐसा होता है इन पी वी डायग्राम में, पी वी डायग्राम में। तो इसमें कौन सा कैसा इंटर कर रहा है टर्बाइन में उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेचुरेटेड है इंटर कर रहा है तो उसके इसमें ये आपका ये होगा लाइन। तो वन से टू तो आपका ये होगा। टू से थ्री जो होगा वो कंडेंसर में होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन टू से थ्री कंडेंसर में होगा, हीट रिजेक्शन होगा। और उसको तीन से चार जो होता है वो पंप में होता है, पंप में होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। तो आइसेंट्रोपिक लाइन जस्ट इस तरह का। और चार से लेकर के एक तक जो होता है ये आपका, चार से लेकर एक तक आपका बॉयलर में होता है, बॉयलर में हीट एडिशन होता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन वहाँ पर हम लोग करते हैं। इसी डायग्राम को अगर आप टी एस प्लॉट में अगर आप देखें तो टी एस प्लॉट में बॉयलर के अंदर जो होता है हीट एडिशन, वो चूंकि यह टी एस प्लॉट है तो कांस्टेंट प्रेशर का लाइन यहाँ पर इस तरह से वैरी करता है। कांस्टेंट प्रेशर का लाइन जो है, अगर अगर मान लीजिए कि सिंगल फेज रहता, जैसे कि ये तो टू फेज है ना, सिंगल फेज अगर रहता, सिंगल फेज रहता तो उसमें आपका कांस्टेंट टेम्परेचर का, कांस्टेंट प्रेशर का लाइन ऐसा होता, सिंगल फेज में ऐसा लाइक करता है कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन डबल फेज में, डबल फेज में कांस्टेंट प्रेशर का लाइन हॉरिजॉन्टल है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कांस्टेंट प्रेशर सिंगल फेज में, ये सारा का सारा जो है बॉयलर के अंदर हम दिखा रहे हैं। फोर से लेकर वन डबल प्राइम तक या वन तक या वन प्राइम तक, ये जो भी है बॉयलर के अंदर हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है। अगर मान लीजिए एंट्री ऑफ द टर्बाइन ये पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा बॉयलर के अंतर्गत हो रहा है, बॉयलर की एक प्रोसेस यहाँ बॉयलर तक, यहाँ से यहाँ तक टर्बाइन में, इसको आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन बोलते हैं, चूँकि टू फेज में वो हॉरिजॉन्टल होता है इसलिए हॉरिजॉन्टल है। और तीन से लेकर चार तक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, जो कि यहाँ पर है, जो कि पंप में होता है। तो दिस इज द पंप, दिस इज टर्बाइन, दिस इज बॉयलर, दिस इज कंडेंसर। तो ये पर्टिकुलर केस। यदि आप बात करते कि अगर ये चीज़ जो ऑपरेट हो रहा है वो कार्नो साइकिल पे ऑपरेट हो रहा है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर का बात करें तो एक लाइन सीधा होगा इस तरह का, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन और कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन, और उसके बाद आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये ट्रायंगल आपको देखने को मिलता अगर कार्नो साइकिल ऑपरेट हो रहा होता। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जो कार्नो साइकिल है वो कार्नो साइकिल सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है मतलब ये वाला लाइन फॉलो करेगा, ये वाला लाइन फॉलो करेगा, ये लाइन आपको फॉलो करेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में आपसे पूछा ये गया है द थर्मोडायनेमिक डिफरेंस बिटवीन द रैंकन साइकिल वर्किंग विथ सेचुरेटेड स्टीम एंड कार्नो साइकिल इज दैट। तो कार्नो साइकिल कैन नॉट वर्क विथ सेचुरेटेड स्टीम, सेचुरेटेड स्टीम कार्नो साइकिल वर्क कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर वन आपका जो है सही है, कैन नॉट वर्क, ये मतलब गलत है, ऑप्शन नंबर वन आपका गलत है, वर्क तो करेगा वो। हीट इज सप्लाइड टू वाटर एट टेम्परेचर बिलो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। अगर अगर ये रैंकन साइकिल हो रहा होता, अगर ये रैंकन साइकिल हो रहा होता तो हीट जो सप्लाई हो रहा है, हीट सप्लाई जो हो रहा है वो ऐसा हो रहा है, हीट सप्लाई, तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है आपका ये वाला है, मैक्सिमम टेम्परेचर वन डबल प्राइम मैक्सिमम। लेकिन वही अगर कार्नोट होता तो ये लाइन सीधा जाता आपका। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो लोअर दैन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द रैंकन साइकिल, रैंकन साइकिल से कम ही टेम्परेचर पे वो ऑपरेट हो रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में हीट इज सप्लाइड टू द वाटर इन रैंकन साइकिल एट अ टेम्परेचर इन कार्नो साइकिल एट टेम्परेचर बिलो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। एंड द कार्नो साइकिल इज दैट, कार्नो साइकिल में जो हीट एडिशन जो हो रहा है वो लोअर टेम्परेचर पे हो रहा है। हीट इज सप्लाई टू वाटर एट ए टेम्परेचर बिलो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 260 कह रहा है द हीट एडिशन इन डुअल कंबसन साइकिल, डुअल कंबसन साइकिल में जो हीट एडिशन होता है वो पार्टली एट कॉन्सेंट प्रेशर एंड पार्टली एट कॉन्सेंट वॉल्यूम होता है। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
यह डुअल साइकिल, डुअल साइकिल में वन से टू जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, और दो से तीन प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस जो है इस प्रोसेस में बोलते हैं हीट एडिशन प्रोसेस। इसमें इस पूरे प्रोसेस को दो भाग में डिकम्पोज किया गया है, 2 से लेकर 2.5 तक कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन और 2.5 से लेकर 3 तक कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। मतलब दो से तीन जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन और कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन को मिला के बनता है। इसको हम लोग मिक्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और अगर डीजल साइकिल है, अगर डीजल साइकिल है, अगर हम लोग डीजल इंजन यूज़ कर रहे हैं और डीजल इंजन में मत सारे डीजल इंजन में मतलब डीजल इंजन अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में अगर हाई स्पीड डीजल इंजन है तो हाई स्पीड डीजल इंजन में हम चूंकि कंबसन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और कंबसन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन और कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन दोनों होता है हाई स्पीड डीजल इंजन में। तो हाई स्पीड डीजल इंजन जो वर्किंग ऑन द ड्यूल साइकिल, हाई स्पीड डीजल इंजन वर्किंग ऑन द ड्यूल साइकिल मतलब हाई स्पीड सीआई इंजन, कंप्रेशन इंग्रीशन इंजन जो किस पे बेस्ड होता है तो ड्यूअल साइकिल पे बेस्ड होता है, लेकिन लो स्पीड डीजल इंजन किस पे बेस्ड होता है तो वो डीजल साइकिल पे बेस्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि बोथ ऑटो साइकिल को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस और डीजल साइकिल में कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस आर द ओवर सिंपलिस्टिक एंड अनरियलिस्टिक। दोनों जो प्रोसेस है वो अनरियलिस्टिक है। इन एक्चुअल केस में कंबसन टेक्स प्लेस नाइदर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम नॉर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। मतलब कह सकते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जब में जो टाइम रिक्वायर्ड है उसमें कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मेंटेन नहीं किया जा सकता है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मेंटेन नहीं होता है। तो हम लोग जो ऑटो साइकिल में पढ़ते थे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन को अप्रोक्स मान के पढ़ते थे कि अप्रोक्स से वो पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मेंटेन करके नहीं रख सकता है नॉर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और वो जो है कंबसन जो हो रहा है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर भी मेंटेन नहीं कर सकता है। रैपिड अनकंट्रोल्ड कंबसन होता है इसलिए कॉन्स्टेंट प्रेशर भी मेंटेन नहीं कर सकता है। इसलिए ड्यूल साइकिल यूज टू मॉडल द कंबसन प्रोसेस, ड्यूल साइकिल को यूज़ किया गया है मॉडल द कंबसन प्रोसेस। इट इज द कंप्रोमाइज बिटवीन ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल वेयर द हीट एडिशन टेक्स प्लेस पार्टली एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड पार्टली एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज मिक्स साइकिल, साइकिल को मिक्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इनफैक्ट ऑटो एंड डीजल साइकिल आर द स्पेशल केस ऑफ ड्यूल साइकिल। और अगर हमको अगर SI इंजन यूज़ करना है तो इसके लिए हम लोग SI इंजन मतलब पेट्रोल इंजन में ऑटो साइकिल यूज़ करेंगे हम लोग। अगर CI इंजन यूज़ करना है तो CI इंजन में यानी डीजल इंजन यूज़ करेंगे, लेकिन वो डीजल इंजन कब यूज़ करेंगे एट लो स्पीड में डीजल इंजन यूज़ करेंगे हम लोग। लेकिन अगर हायर स्पीड CI इंजन है हायर स्पीड का तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग यह ड्यूल साइकिल यूज़ करेंगे जब हायर स्पीड चाहिए हमको तब उस पर्टिकुलर केस में। ये ध्यान रखें। तो ड्यूल साइकिल में पार्टली एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड पार्टली एट कॉन्स्टेंट प्रेशर में हीट ऐड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डीजल साइकिल इफिशियंसी इज मैक्सिमम व्हेन द कट ऑफ रेशियो। डीजल साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगा, मैक्सिमम होगा डीजल साइकिल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल मैक्सिमम व्हेन द कट ऑफ रेशियो क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, कब उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो आपको डीजल साइकिल का एफिशिएंसी हम लोग डिराइव कर चुके थे, एफिशिएंसी उसमें देख लीजिए क्या होता है। यह है डीजल साइकिल की एफिशिएंसी। डीजल साइकिल की एफिशिएंसी में हम आरसी के वैल्यू को क्या करें कि मेरा एफिशिएंसी को मैक्सिमम दे दे, तो ये वाला टर्म इफ आरसी इज इक्वल टू जीरो, यदि आरसी की जगह हम जीरो पुट कर दें, आरसी की वैल्यू जीरो कर दें तो वन वन कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन वन वन बाई के इज इक्वल टू दिस मच। यानी आरसी की वैल्यू हम जीरो कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर में एफिशिएंसी जो मिलेगा मेरे को मैक्सिमम मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ चुके थे, इस पर्टिकुलर केस में आरसी के वैल्यू यदि जीरो हम कर दें तो उस पर्टिकुलर में एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल जो होगा मेरा बड़े मैक्सिमम होगा जीरो। नेक्स्ट है द प्रेशर रेशियो इन केस ऑफ बेल कोलमैन साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल में जो प्रेशर रेशियो होता है वो जनरली आप याद रखिए इसमें 10 से 15 होता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए प्रेशर रेशियो जो होता है ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल का वो 10 से 15 होता है।
नेक्स्ट है स्टीलिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ फोर प्रोसेस। स्टीलिंग साइकिल हम डिस्कस कर चुके थे, स्टीलिंग साइकिल में कौन सा फोर प्रोसेसेस होता है। स्टीलिंग साइकिल में जो वर्किंग सबस्टांस होता है वो एयर होता है, नॉन फ्लो प्रोसेस है, क्लोज सिस्टम है, दैट मीन्स ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में चार प्रोसेस है, एक प्रोसेस दो प्रोसेस, दो प्रोसेस से आइसो थर्मल प्रोसेस है और दो प्रोसेस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। यहाँ पर नोटिस कीजिएगा दिस इज द आइसो थर्मल प्रोसेस, दिस इज द आइसो थर्मल प्रोसेस, दिस इज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दिस इज द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। मतलब दो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड दो आइसो थर्मल प्रोसेस। इसमें जो हीट यहाँ से रिजेक्ट हुआ था दो से तीन के बीच, ये वाला जो हीट रिजेक्ट हुआ था, ये हीट अगर हम इसमें दे दें चार से एक में जो हीट एडिशन हो रहा है सो, और दो से तीन में जो हीट रिजेक्शन हो रहा है सो, अगर ऐसा हो दोनों इक्वल हो जाए दैट मीन्स हम कह सकते हैं रीजनरेशन होगा। दैट मीन्स द हीट रिजेक्शन फ्रॉम टू से थ्री एंड फोर से वन ये दोनों सेम होगा। दैट मीन एरिया अंडर दिस कर्व इज सेम एज एरिया अंडर दिस कर्व, ये दोनों सेम होगा। और दोनों जब सेम होता है तब जो इसका एफिशिएंसी होता है वो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर होता है। इसमें हम लोग ये इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो एफिशिएंसी क्या होता है, जब दोनों सेम होता है तो उस वक्त उसका जो एफिशिएंसी मिलेगा वो एफिशिएंसी आपको कार्नोट एफिशिएंसी के बराबर मिलता है, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर होता है। इसमें रीजनरेशन अलग से करने की जरूरत नहीं होता है, जब साइकिल ये ऑपरेट होता है तो उसी में अंदर में ही ये साइकिल के अंदर ही आपका रीजनरेशन हो जाता है। जैसे ब्रिटन साइकिल में को अलग से रीजनरेशन के लिए एक अरेंजमेंट करना पड़ता है, उस तरह से इसमें अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, इस साइकिल में इंटरनली वो रीजनरेट हो जाता है। मतलब इसका जो एनर्जी है, जो एनर्जी दो से तीन के बीच जो हीट रिजेक्ट हो रहा है वो चार से एक बीच हीट दिया जा रहा है, वही हीट तब वो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर होगा। तो ये कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी ही हमको देगा जब ऐसा होगा तब, और जनरली ऐसा ही होता है इस पर्टिकुलर केस में, इसलिए हम जो कहते हैं कि ये रिवर्सिबल साइकिल है। सिमिलर इज द कंसेप्ट ऑफ द इरिक्शन साइकिल। इरिक्शन साइकिल के लिए भी वही कंसेप्ट आपके यूज होता है। इस पर्टिकुलर केस में आप दो कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है एंड दो आइसो थर्मल प्रोसेस है इरिक्शन साइकिल में। इरिक्शन साइकिल में भी जो चार से एक में हीट जो ऐड होगा सो, और दो से तीन में जो हीट रिजेक्ट होगा सो, वो दोनों का दोनों सेम अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होता है और जो कि यहाँ पर ऐड होता है, तो ये भी बिहेव करेगा एज ए रिवर्सिबल साइकिल और एज ए कार्नोट साइकिल। जब इसको इसके बारे में भी डिस्कस हम लोग किए हैं, जब ये हीट रिजेक्टेड एंड हीट एडिशन आर सेम देन इन दिस केस द एफिशिएंसी इज सेम एज द कार्नोट एफिशिएंसी। तो इस केस में एफिशिएंसी जो हमारा होगा वो कार्नोट एफिशिएंसी के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है स्टीलिंग साइकिल क्या होता है, तो दो आइसोथर्मल एंड दो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एटकिंसन गैस इंजन हैज स्पेशल फीचर। एटकिंसन साइकिल के पास स्पेशल फीचर कौन सा होता है, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। एटकिंसन साइकिल हम लोग देख चुके थे, एटकिंसन साइकिल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये एटकिंसन साइकिल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है आपको, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिए कि दिस इज द एटकिंसन साइकिल। दिस साइकिल हैज़ टू एडियाबेटिक प्रोसेस एंड टू वन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड वन कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये एडियाबेटिक प्रोसेस है और ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है। तीन से लेकर चार तक ये है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, और दो से लेकर के एक तक कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये एटकिंसन साइकिल, इसमें नोट करने वाला बात यहां पर ये है कि जैसे कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर केस में, जैसे ये मान लीजिए मेरा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो दो से लेकर के तीन तक जो कंप्रेशन हो रहा है आपका, दो से लेकर के तीन तक, ये पूरा ये क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया आपका, स्ट्रोक हो गया, ये यहाँ से एक लेकर के यहाँ तक आपका पिस्टन जाएगा, पिस्टन यहाँ से यहाँ तक रन करेगा, तो इसको हम स्ट्रोक बोलेंगे। दो से तीन तक पूरा कंप्रेस किया है, मतलब ये दो नंबर पॉइंट, ये तीन नंबर पॉइंट, ये दिस इज द सिलेंडर है, तो दो से तीन तक पूरा कंप्रेस हुआ है, तो कंप्रेशन का स्ट्रोक है। लेकिन जब एक्सपेंसन होने लगता है, तो एक्सपेंसन जब होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा दूर तक एक्सपैंड होता है। एक्सपेंसन होगा चार से लेकर के एक तक, तो एक्सपेंसन का स्ट्रोक जो है आपका, एक्सपेंसन का स्ट्रोक वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ कंप्रेशन का स्ट्रोक।
कंप्रेशन का स्ट्रोक इतना ही दूर तक होगा, जबकि एक्सपेंशन का स्ट्रोक आपका यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये एटकिंसन साइकिल में आप ये ध्यान रखिएगा। बट इन केस ऑफ ऑटो साइकिल में हम जब बात किए थे, तो ऑटो साइकिल में ये हुआ था कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, मतलब जितना एक्सपेंशन हुआ था उतना ही आपका कंप्रेशन भी हुआ था। कंप्रेशन यहाँ से यहाँ तक हुआ था और एक्सपेंशन यहाँ से यहाँ तक उतना ही होता है, लेकिन एटकिंसन में आपका ये बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कंप्रेशन स्ट्रोक इज शॉर्टर देन द एक्सपेंशन स्ट्रोक इन केस ऑफ एटकिंसन साइकिल। एटकिंसन गैस इंजन हैव ए स्पेशल फीचर दैट द आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर इज ऑन द शॉर्ट स्ट्रोक एंड द एक्सपेंशन ऑन द लार्जेस्ट स्ट्रोक, ये लॉन्गर स्ट्रोक। नेक्स्ट इज द आइडियल इफिशियंसी ऑफ एरिक्सन साइकिल। एरिक्सन साइकिल विथ परफेक्ट रीजनरेशन होता है ऑपरेटिंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर लिमिट, तो वो किसके समान हो जाएगा? जब परफेक्ट रीजनरेशन हो जाता है एरिक्सन में, तो वो ऑटो साइकिल मतलब कि आपका कार्नो साइकिल के इक्वल होगा, कार्नो साइकिल के बराबर होगा, ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट कह रहा है इन ए कार्नोट इंजन व्हेन द वर्किंग सब्सटेंस रिजेक्ट इट्स हीट टू द सिंक द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, क्या होगा? तो कार्नोट इंजन हम लोग जानते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर, दिस इज लो टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर, दिस इज T1, दिस इज T2। ये एक इंजन ऑपरेट हो रहा है, वहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया और यहाँ पर Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट किया, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला। तो जो इफिशियंसी होता है, अगर ये रिवर्सिबल इंजन है, इफिशियंसी होता है तो कितना होता है इफिशियंसी? इफिशियंसी होता है 1 Q2 Q1। लेकिन अगर रिवर्सिबल है तो Q2 Q1 की जगह T2 T1 हो जाएगा। अगर रिवर्सिबल है यानी कार्नो साइकिल है, तो कार्नो साइकिल का इफिशियंसी जो होगा वो किस 1 T2 T1 पर डिपेंड करता है, कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी में सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब कह रहा है कि इन ए कार्नोट इंजन, यदि कार्नोट इंजन है देन द वर्किंग सब्सटेंस रिजेक्ट इज हीट टू द सिंक, हीट जो रिजेक्ट करता है सिंक में, सिंक का टेम्परेचर T2 है, देन द टेम्परेचर ऑफ टिंक, जब हीट इसमें आ रहा है T2 में, हीट हम दे रहे हैं कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं, तो टेम्परेचर T2 का बढ़ेगा या घटेगा? तो हम लोग ये जानते हैं कि जो हीट रिजेक्ट होता है वो थर्मल रिजर्वायर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हीट रिजर्वायर में रिजेक्ट होता है, और ये रिजर्वायर है तो रिजर्वायर में जो हीट रिजेक्ट होगा तो रिजर्वायर उसको कहते हैं जहाँ का टेम्परेचर जो है वही है। यहाँ का टेम्परेचर यदि T2 है तो यहाँ का टेम्परेचर T2 ही है, चाहे इसमें हम कुछ भी हीट क्यों नहीं दे दें, क्योंकि इसमें से कुछ हीट दे दें या कुछ हीट यहाँ से निकाल लें, जैसे T1 टेम्परेचर से कुछ हीट निकाले हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर जो भी है वो T1 ही है, T1 से घट नहीं रहा है, क्योंकि हीट निकालेंगे तो जनरली घटना चाहिए, लेकिन चूंकि ये इतना बड़ा रिजर्वायर हम काउंट करके रखे हैं कि यहाँ पर हीट निकालने के बाद भी यहाँ का टेम्परेचर जो है मेंटेन करके रखता है T1 टेम्परेचर, और जो यहाँ हीट रिजेक्ट होता है एट टेम्परेचर T2, तो हीट कितना भी यहाँ पर दे दें, हीट यहाँ का टेम्परेचर जो है वो T2 ही रहेगा। इसलिए इसको बोलते हैं थर्मल रिजर्वायर। किसी रिजर्वायर में, बड़े से रिजर्वायर में कुछ हीट निकाल लेते हैं, उसमें से हीट निकाल भी लेते हैं, तो भी टेम्परेचर वही रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, तो ये ध्यान रखिएगा रिमेंस सेम होगा। नेक्स्ट इज द आइडियल इफिशियंसी ऑफ जूल साइकिल। जूल साइकिल हो या कोई और साइकिल हो, जूल साइकिल हो या कोई और साइकिल हो, बिटवीन द टू गिवन टेम्परेचर उसका जो इफिशियंसी होगा वो इफिशियंसी हमेशा कार्नो साइकिल से कम होगा, लेस देन द कार्नो साइकिल। कार्नो साइकिल से इफिशियंसी उसका कम ही होता है, चाहे कोई भी साइकिल क्यों नहीं हो। नेक्स्ट है इन आइडियल इफिशियंसी ऑफ स्टीलिंग साइकिल विथ परफेक्ट रीजनरेशन। अगर स्टीलिंग साइकिल है, परफेक्ट रीजनरेशन है, ऑपरेटिंग बिटवीन गिवन टू टेम्परेचर लिमिट, तो दो टेम्परेचर लिमिट के बीच अगर परफेक्ट रीजनरेशन हो रहा है तो कार्नो साइकिल सेम होगा, तो इक्वल टू कार्नो साइकिल, उसमें कुछ करना नहीं है हमको, इक्वल टू कार्नो साइकिल होता है, ये ध्यान रखिएगा। द कंसेप्ट ऑफ रीजनरेशन इज यूज इन द फॉलोइंग साइकिल, किस साइकिल में कंसेप्ट ऑफ रीजनरेशन ऑटोमेटिकली यूज हो जाता है? तो वो होता है स्टीलिंग और एरिक्सन साइकिल में। आप ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में हम रीजनरेशन यूज़ करने के लिए हमको अलग से एक सिस्टम लगाना पड़ा था, तब जाकर के वहाँ पर रीजनरेशन अप्लाई किए थे, लेकिन इसमें कुछ अलग से सिस्टम नहीं लगाना पड़ा, स्टीलिंग साइकिल और एरिक्सन साइकिल में ये ऑटोमेटिकली रीजनरेशन इसमें होता है। नेक्स्ट है बेल कोलमैन साइकिल इज रिवर्स बेटन साइकिल या जूल साइकिल। रिवर्स बेटन साइकिल ही बोलिए आप, ज़्यादा बेहतर है, दोनों नहीं देना चाहिए ऑप्शन में, एक ही देना चाहिए। नेक्स्ट है एरिक्सन साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 प्रोसेस। एरिक्सन साइकिल भी अभी देख चुके हैं, एरिक्सन साइकिल में दो प्रोसेस कौन सा है, तो 4 प्रोसेस कौन सा है, तो दो ठोस में कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है एंड टू आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी, दो आइसोथर्मल एंड टू कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। जहाँ कहीं भी रिएक्शन साइकिल देखे हैं वहाँ पहले आप देख लीजिएगा।
नेक्स्ट है पेट्रोल इंजन थियोरेटिकल ऑपरेटर। पेट्रोल इंजन जो है वो किस पे ऑपरेट करता है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल को ही हम बोलते हैं ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है। सिमिलरली डीजल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, तो डीजल साइकिल जो होता है, डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। तो डीजल साइकिल थ्योरेटिकली ऑपरेट्स ऑन कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल पे ऑपरेट होता है वो। हाई स्पीड डीजल इंजन, अब हाई स्पीड, अगर हाई स्पीड का जब बात आ जाएगा तो उसमें मिक्स साइकिल यूज़ होगा, ये ध्यान रखिएगा। हाई स्पीड रहेगा तो उसमें मिक्स साइकिल यूज़ होगा। गैस टरबाइन किस पे वर्क करता है, तो कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन जो होता है वो ब्रेटन साइकिल, गैस टरबाइन जो ब्रेटन साइकिल पे बेस्ड होता है। नाउ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट आप लोगों को पता होगा, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट योर डिवाइस विच विल ऑपरेट इन ए साइकिल एंड विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन ट्रांसफर ऑफ हीट ओनली विथ ए सिंगल रिजर्वॉयर। ये आपको पता है, ये क्लॉसियस स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन विच विल ऑपरेट इन साइकिल रिसीव्स ए गिवन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर बॉडी एंड डज द इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। जितना हीट निकालेगा उतना वर्क निकालेगा क्या, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। दैट मीन ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि इस पर्टिकुलर केस में इट इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट डिवाइस, ऐसा डिवाइस हम नहीं बना सकते हैं जो कि ऑपरेट इन ए साइकिल और जो वर्क हम लोग दे दे क्यू अमाउंट ऑफ ले हीट ले हाई टेम्परेचर से, ऐसा हीट इंजन हम नहीं बना सकते। इट इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन विच ऑपरेट इन ए साइकिल, जो कि साइकिल में ऑपरेट हो रहा है एंड रिसीव गिवन अमाउंट ऑफ हीट, गिवन अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी एंड डज इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है, ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है। तो इट इज इम्पॉसिबल, तो ऑप्शन नंबर ई, तो ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है। तो कैसा पॉसिबल है, तो ऐसा इंजन पॉसिबल है, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ क्यू टू अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होगा लो टेम्परेचर थर्मल रिजर्वर में, तो इस तरह का इंजन पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो स्टेटमेंट है क्लॉसियस प्लैंक स्टेटमेंट का, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। आप स्टेटमेंट भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कहीं के स्टेटमेंट भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 277, स्टीम नोजल कन्वर्ट्स। स्टीम नोजल अगर है मेरे पास तो क्या कन्वर्ट करता है, तो स्टीम नोजल का अगर हम बात करें, एक नोजल है मेरे पास, सिंपल हम बात करें स्टीम नोजल का बात करें, एक नोजल है मेरे पास, ये नोजल है, नोजल चारों तरफ इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड मतलब कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो जो हीट यहाँ से गया, जो एनर्जी लेके गया हीट जो भी था इसके पास, जो भी इसके पास इंथैल्पी था वो इसको हम बोल रहे हैं H1, और जो बाहर निकल रहा है उसको इस इंथैल्पी को बोल रहे हैं H2। तो यहाँ पर हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर हम लगाएं, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ये बोलता है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 माइनस H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1। चूंकि यहाँ पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है सराउंडिंग में, इसलिए हीट ट्रांसफर जीरो। वर्क ट्रांसफर यहाँ, ये ऐसा डिवाइस है जिसे वर्क से कोई लेना देना इसको नहीं है, दैट मीन वर्क ट्रांसफर भी जीरो। अगर हम ये मान लें कि जिस वेलोसिटी से वो इंटर कर रहा था वो वेलोसिटी ना के बराबर था, मतलब बहुत ही कम था, नेग्लिजिबल वेलोसिटी था, तो एंट्री वेलोसिटी अगर नेग्लिजिबल है, नोजल ऐसा डिवाइस है जो कि वेलोसिटी बढ़ाता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, और पोटेंशियल हाइट GZ2 का बात करें तो जितना हाइट इस पॉइंट का है उतना ही हाइट इस पॉइंट का भी, अगर नोजल हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो GZ2 और GZ1 दोनों का दोनों सेम है, इसलिए दोनों को हम घटा रहे हैं, दैट मीन्स ये कैंसिल आउट हो गया, दोनों नेग्लिजिबल है, मतलब वो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको मिलेगा V2 ये वाला रहेगा, ये वाला जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी आपका जीरो था, ये V1 square by 2 ये जीरो हो जाएगा, तो V2 square by 2 मतलब जो वेलोसिटी बढ़ाता है, तो मतलब V2 वाला ज़्यादा वेलोसिटी है, तो V2 square by 2 is equal to H1 minus H2,
इज इक्वल टू एच वन माइनस एच टू, ये इक्वेशन आपको मिलेगा। दूसरे फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जो इनकमिंग एनर्जी इज इक्वल टू आउट गोइंग एनर्जी। हीट से कोई लेना देना नहीं, हीट को जीरो, वर्क को लेना नहीं, वर्क को जीरो कर दीजिए, पोटेंशियल हाइट दोनों सेम है तो पोटेंशियल हाइट को जीरो कर दीजिए, और इनिशियल वेलोसिटी जो एंट्री कर रहा था वो वेलोसिटी भी जीरो कर दीजिए। तो फाइनली जो वी टू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एच वन माइनस एच टू। यहाँ से वी ई एग्जिट वेलोसिटी का अगर हम बात करेंगे तो एग्जिट वेलोसिटी मेरा ये मिल गया। एग्जिट वेलोसिटी जो भी मिला वो दिस मच। अगर वेलोसिटी है, जो भी स्टीम बाहर आ रहा है नोजल से उसके पास अगर वेलोसिटी ये है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी होगा। दैट मीन्स सारा का सारा एच जो है वो कन्वर्ट किस में हो गया, वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो हीट एनर्जी जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया। और वेलोसिटी है दैट मीन्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इसमें कन्वर्सन किस चीज़ का होता है, काइनेटिक एनर्जी में ही होता है। किस चीज़ का, तो हीट एनर्जी का, हीट एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विच इज द ट्रू स्टेटमेंट इन द कनेक्शन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द हीट इंजन टू फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर का एक सब्सटेंस है, हायर टेम्परेचर का एक सब्सटेंस है, यहाँ से हीट फ्लो करेगा और इधर जाएगा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि T1 is greater than T2, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये नॉट पॉसिबल, मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए परपेक्चुअल मोशन PPM मशीन ऑफ सेकेंड काइंड, जो भी है वो उसको हम बना नहीं सकते हैं। तो PPM ऑफ द सेकेंड काइंड जो है वो एक हाइपोथेटिकल मशीन है, वैसा हम लोग क्रिएट कर नहीं सकते हैं, जिस जो कि ऐसा हमको एनर्जी लोअर से हाइएस्ट की तरफ प्रोवाइड करवा दे। दैट मीन दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, PPM हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है विच विल ऑपरेट इन ए साइकिल, प्रोड्यूस नो इफेक्ट एक्सेप्ट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द सिंगल रिजर्वायर एंड डू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो भी डिस्कस किए थे हम लोग, वही केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ही है वो। नेक्स्ट, कार्नोट इंजन के पास मैक्सिमम इफिशियंसी होता है कंपेयर टू ऑल इंजन के पास क्या होता है, मोस्ट इफिशियंट। कार्नोट इंजन इज द मोस्ट इफिशियंट, ये भी सही स्टेटमेंट है। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर द राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच विल ऑपरेट इन अ साइकिल एंड विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर ट्रांसफर हीट फ्रॉम द कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी। ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, ये है आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में दो स्टेटमेंट है, ये है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और ये है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच विल ऑपरेट इन अ साइकिल, जो कि ऑपरेट एक साइकिल में ऑपरेट हो रहा है, एंड प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है तो कैसा इंजन पॉसिबल है, इसमें कोई अदर इफेक्ट पैदा होगा, वो क्या होगा, W अमाउंट ऑफ, जब तक वर्क नहीं देंगे तब तक ये लो टेम्परेचर से हीट निकाल के हाई टेम्परेचर तक नहीं भेजेगा। दैट मीन दिस टाइप ऑफ इंजन पॉसिबल, लेकिन ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है, ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 280 कह रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन इट इज पॉसिबल दैट द हीट इज एब्स्ट्रक्टेड फ्रॉम हॉट सोर्स एज वेल एज कोल्ड सोर्स एंड पॉजिटिव वर्क इज डन। ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं कर रहा है, क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन भी साइन कन्वेंशन से रिलेटेड है, ये हम दो तीन प्रॉब्लम नहीं करने वाले हैं। क्लियर नहीं कर रहा है क्या पूछ रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 283, विच द रॉन्ग एजम्पशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए क्या रॉन्ग एजम्पशन है, तो इसमें एक एजम्पशन है कि ऑल प्रोसेसेस हम लोग रिवर्सिबल मान के चलते हैं, स्पेसिफिक हीट रिमेंस कॉन्स्टेंट एंड ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी मान के चलते हैं कि स्पेसिफिक हीट जो भी है, स्पेसिफिक हीट का वैल्यू जो भी है, CP और CV का वैल्यू, CV दोनों कांस्टेंट है, CP भी कांस्टेंट होता है, CV का वैल्यू भी कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू हम लोग मान के चलते हैं। नेक्स्ट है, नो अकाउंट फॉर मैकेनिक्स ऑफ हीट ट्रांसफर इज कंसीडर्ड।
हीट ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है इसका मैकेनिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं कि आइदर कंडक्शन से हो रहा है, कन्वेक्शन से हो रहा है या रेडिएशन से हो रहा है, इसके बारे में वो डिस्कस नहीं करते हैं। ये भी आपका एजम्पशन है, ये हम मान के चलते हैं। और वर्किंग सब्सटेंस ये परफेक्ट गैस, ये भी हम लोग मान के चलते हैं। वर्किंग सब्सटेंस जो है वो भी परफेक्ट गैस, ये मान के चलते हैं। ये हम लोग नहीं मानते हैं कि गैस डिसोसिएट एट हायर टेम्परेचर, ये मेरा एजम्पशन नहीं है, ये रॉन्ग एजम्पशन। ये एजम्पशन मेरा नहीं है गैस डिसोसिएट एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पर गैस डिसोसिएट कर जाता है, ये रॉन्ग एजम्पशन है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फिर से वही साइन कन्वेंशन का लिमिटेशन है, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं कर रहा है क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 285 में कहता है ये आइडियल गैस है 27 डिग्री सेल्सियस पर है। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कह सकते हैं T1 जो है टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है। इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है। टिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स 3 times, इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है 3 times हो जाता है। तो इनिशियल वॉल्यूम अगर V है तो फाइनल वॉल्यूम 3V है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग यूज़ करेंगे V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, और वहाँ से T2 निकालेंगे तो मेरे को मिलेगा 627 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन को हम यहाँ देख सकते हैं कि हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के लिए PV इज इक्वल टू MRT। अगर हम मास को 1 बना दें, मास मेरा 1 है, मास अगर 1 है या मास कांस्टेंट है, मास अगर कांस्टेंट है या 1 है, तो मास अगर 1 बना दें तो PV इज इक्वल टू RT मिलेगा मेरे को। यदि हम जानते हैं यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं V/T इज इक्वल टू R/P। R पहले से कांस्टेंट है, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और P भी द प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब R/P राइट हैंड साइड पूरा कांस्टेंट। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं V/T जो भी है वो कांस्टेंट है, V/T कांस्टेंट है, V/T कांस्टेंट है। यानी कि हम लिख सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। इनिशियल वॉल्यूम V था, फाइनल वॉल्यूम 3V हो गया, तो V1 की जगह V और V2 की जगह 3V पुट करेंगे। T1 जो है T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन, T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन, T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन। V1 के प्लेस पे V पुट करेंगे और V2 के प्लेस पे 3V पुट करेंगे और T2 की जगह T2 पुट करेंगे। T2 हमको फाइंड आउट करना है, T2 इज इक्वल टू 900 केल्विन, T2 इज इक्वल टू 900 केल्विन। इफ़ वी कन्वर्ट इन डिग्री सेल्सियस देन -273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट 627 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T2 विद टेम्परेचर 627 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू पिल्टियर थॉमसन इफेक्ट, पिल्टियर थॉमसन इफेक्ट में बोला ये गया है, पिल्टियर इफेक्ट और थॉमसन इफेक्ट दोनों को अगर कंबाइन कर दें हम दोनों इफेक्ट को, तो उसमें ये बोला गया है कि व्हेन टू डिसिमिलर वायर, ये एक वायर है और ये दूसरा वायर है, व्हेन टू डिसिमिलर मेटल आर हीटेड एट वन एंड, एक एंड क्या करते हैं गर्म करते हैं और एक एंड क्या करते हैं ठंडा करते हैं। यदि यहाँ पर हम इसको गर्म करते हैं और यहाँ पर इसको हम ठंडा करते हैं, मतलब यहाँ पर हीट देते हैं और यहाँ पर हीट रिजेक्ट करते हैं, देन EMF हीट डेवलप, तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा EMF डेवलप हो जाएगा, इस पूरे सर्किट के अक्रॉस EMF डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर कहीं EMF डेवलप हो जाएगा। और अगर पहले से अगर EMF है यहाँ पर तो EMF मॉडिफाइड हो जाएगा, मतलब वो EMF चेंज हो जाएगा। और यदि EMF नहीं है यहाँ पर तो वहाँ पर EMF डेवलप हो जाएगा, एंड EMF जो डेवलप हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस T1, और यहाँ का टेम्परेचर अगर T2 है, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो उस पर्टिकुलर केस में जो EMF जनरेट होगा, जो EMF जनरेट होगा यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस एट द टू एंड T1 - T2। ये याद रखिएगा डायरेक्टली कि दिस इज द पिल्टियर थॉमसन इफेक्ट। नेक्स्ट, ऑल डीजल साइकिल एक्सेप्ट लो स्पीड इंजन, लो स्पीड इंजन को छोड़ करके, लो स्पीड रहता तो डीजल साइकिल यूज़ करते, लेकिन ऑल डीजल इंजन का बात कर रहा है, लो स्पीड छोड़ कर मतलब हाई स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ। हाई स्पीड में हम लोग मिक्स्ड साइकिल यूज़ करते हैं, मिक्स ड्यूल साइकिल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 288 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किसको डिफाइन करता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किसको डिफाइन करता है, तो वो एंट्रोपी को डिफाइन करता है, ये आपको याद होना चाहिए। जीरोथ लॉ किसको डिफाइन करता है, अगर कहीं पूछे जीरोथ लॉ किसको डिफाइन करता है, तो जीरोथ लॉ टेम्परेचर को डिफाइन करता है। अगर पूछे फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन करता है, तो फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है, इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है। और सेकेंड लॉ किसको डिफाइन करता है, तो वो एंट्रोपी को डिफाइन करता है, ये आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट है गैस टरबाइन वर्क्स ऑन, गैस टरबाइन किसे वर्क करता है, तो ब्रेटन साइकिल पे वर्क करता है। ब्रेटन साइकिल कैसा होता है, तो ब्रेटन साइकिल आपको याद होगा आइसेंट्रोपिक, ये आइसेंट्रोपिक
कंप्रेशन, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और फिर कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। मतलब 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड 4 से 1 कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ये है ब्रेटन साइकिल। तो ब्रेटन साइकिल में होता है कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, इसलिए इसको कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल बोलते हैं। हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों का दोनों कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, इसलिए कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट साइकिल यूज फॉर थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट मतलब पावर प्लांट मीन्स स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट वर्क ऑन द रैंकाइन साइकिल। स्टीम पावर प्लांट में देयर इज अ बॉयलर, देयर इज अ टर्बाइन, देयर इज अ कंडेंसर एंड देयर इज अ पंप। इसको हम रैंकाइन साइकिल बोलते हैं। यहाँ पे हीट एडिशन, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, दिस इज द कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, दिस इज द टर्बाइन वर्क डेवलप एंड फ्रॉम दिस टर्बाइन, इस टर्बाइन से देयर इज अटैच टू द जनरेटर और जनरेटर और अल्टरनेटर विच जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द मोशन ऑफ दिस टर्बाइन। सम ऑफ द वर्क इज अप्लाई टू द पंप फॉर कंप्रेसिंग द लिक्विड, फॉर पंपिंग द लिक्विड इन द बॉयलर। तो साइकिल यूज फॉर थर्मल पावर प्लांट रैंकाइन साइकिल। नेक्स्ट इज सब्सटेंस ऑफ फ्लोइंग इन ए पाइप। एक पाइप है, सब्सटेंस फ्लोइंग पाइप 200 मिलीमीटर इन साइड डायमीटर। इसका डायमीटर कितना है? डायमीटर है 200 mm। देन एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4d². एरिया आपको पता चल गया। एवरेज वेलोसिटी 3 meters per second, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 meters per second एट ए गिवन सेक्शन ऑन द पाइपलाइन एंड प्रेशर इज 1.5 MN/m². एट ए गिवन प्रेशर इज इक्वल टू दिस मच। व्हाट इज द फ्लो वर्क? व्हाट इज द फ्लो वर्क ऑफ 0.5 m³ एक्सप्रेस्ड इन जूल पासिंग दिस सेक्शन में? फ्लो वर्क क्या होगा? तो फ्लो वर्क अगर हम बात करें तो फ्लो वर्क होता है P into V, V विद स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इसको कितना होगा ये जूल के फॉर्म में फ्लो वर्क? सबसे पहले फ्लो वर्क के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ्लो वर्क इज द वर्क डन बाय द फ्लूइड टू मूव अगेंस्ट प्रेशर, टू मूव अगेंस्ट प्रेशर। दिस टाइप ऑफ वर्क अपीयर इन ओपन सिस्टम ड्यू टू फ्लो ऑफ मास इन और आउट ऑफ द सिस्टम। मान लीजिए कि इनलेट है और ये आउटलेट है। एक फ्लूइड का जो लेयर है वो आगे वाले फ्लूइड के लेयर को पुश करेगा। सपोज कीजिए कि एक हम लेयर कंसिडर किए हैं यहाँ पर। इस लेयर में जो प्रेशर यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है, दोनों इक्वल है। यदि इस साइड का जो प्रेशर लग रहा है वो अगर ज़्यादा हो जाए इस साइड के प्रेशर से, तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो फ्लो करने के लिए जो वर्क लगाएगा एक लेयर अगले लेयर के ऊपर, उसको हम बोलते हैं फ्लो वर्क। सपोज़ यहाँ पर प्रेशर जो हम मेज़र कर पाए वो प्रेशर है पी। जो प्रेशर, चूँकि वो इस डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है वो भी पी, इस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी पी, हम जो मेजर कर पाए प्रेशर, चूँकि दोनों इक्वल है तो प्रेशर को मेजर कर लेंगे, वो जो प्रेशर मेजर कर पाएंगे वो पी। अगर पी दोनों तरफ से पी है, मान लीजिए इधर P1 है और इधर P है, P1 स्लाइटली ग्रेटर है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं वो प्रेशर P ही है, दोनों आपस में बराबर है P, प्रेशर नॉन वैल्यू जो है वो P है। अगर P1 स्लाइटली ग्रेटर है इस P से, तो ये बॉडी इस ये जो फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। हम जो यहाँ पर नॉन प्रेशर है वो P मान लीजिए। P जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो डिस्प्लेसमेंट dx ट्रेवल किया। जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स और प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि हम प्रेशर और फोर्स बाई एरिया जानते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है dx, फोर्स क्या मिला px, pa, दिस इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द वर्क डन। अगर वर्क डन पर यूनिट मास का बात करें हम, वर्क डन पर यूनिट मास का बात करें हम, तो मास क्या होता है? मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। जो फ्लूइड है यहाँ फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी रो है, और वॉल्यूम जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और डिस्प्लेसमेंट dx ट्रेवल कर रहा है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ए इनटू dx जो मिला, ये हमको वॉल्यूम मिल गया। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास मिला। अगर हम वर्क डन इज इक्वल टू दिस मच, हम वर्क डन पर यूनिट मास निकालने की कोशिश करें, तो वर्क डन पर यूनिट मास को ही हम लोग बोलते हैं फ्लो वर्क। ये जो वर्क डन पर यूनिट मास जो मिलने वाला है हमको, उसी को बोलते हैं फ्लो वर्क। यहाँ पर तो गौर कीजिएगा, तो दिस इज द वर्क डन एंड दिस इज द मास। मास का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और दिस इज द वर्क डन। ऊपर एरिया इनटू dx लिखा हुआ, यह है वॉल्यूम, और नीचे में क्या है? मास। दिस इज द वॉल्यूम इनटू मास, ये पूरा का पूरा मास। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम
अपॉन मास, वॉल्यूम अपॉन मास को हम बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल भी, वॉल्यूम अपॉन मास को क्या बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल भी, तो यानी पी इंटू स्मॉल भी, पी इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम को ही बोलते हैं फ्लो वर्क, पी इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम को ही बोलते हैं फ्लो वर्क। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं ऊपर प्रेरित ये एडीएक्स एडीएक्स कैंसिल मतलब पी बाई रो। अब पी बाई रो जो हमको मिला है, पी बाई रो जो हमको मिला है, तो एक्चुअल में वॉल्यूम रो क्या होता है, रो क्या होता है मास बटा मास बाय वॉल्यूम, रो क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब वन बाई रो किसको कहेंगे हम, यहाँ वन बाई रो लिखा हो, यहाँ लिखा हो पी इंटू वन बाई रो, वन बाई रो एक्चुअल में क्या है, तो हम रो जानते हैं होता है मास बाई वॉल्यूम, तो वन बाई रो क्या वॉल्यूम अपॉन मास, तो वन बाई रो की जगह हम वॉल्यूम अपॉन मास बोल सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन मास, वॉल्यूम अपॉन मास को स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं, पी इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल भी को स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्लो वर्क, मतलब ये क्या है वर्क डन पर यूनिट मास स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसमें स्मॉल भी जो है वो है वॉल्यूम अपॉन मास या वन बाई रो, स्मॉल भी क्या है वॉल्यूम अपॉन मास या वन बाई रो। हम फिलहाल के लिए इसको इसको फ्लो वर्क जो हम यहाँ पर निकालना है, मेरे को क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सारा डेटा दे दिया है लेकिन उसमें ये भी बोल रहा है कि प्रेशर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 1.5 मेगा पास्कल है, तो 1.5 मेगा का वैल्यू 10^6 रख दिए, दिस इज द प्रेशर। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो यहाँ पर बोल रहा है वो बोल रहा है 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द प्रेशर, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये वॉल्यूम जो है 0.5 मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट कितना हो गया मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, तो दिस इज द प्रेशर का यूनिट, दिस इज द वॉल्यूम का यूनिट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको सिंपली मिल जाएगा 75/40 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते हैं, जूल में कुछ ये था फ्लो वर्क। आंसर में जो लिखा हुआ 10 कम लिखा है, डेटा कम है लेकिन आपका सही ये होगा। प्रेशर का फ्लो इन फ्लो वर्क आपको निकालना है, दैट मीन्स आप कर सकते हैं प्रेशर इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, और डेटा का कोई यूज़ नहीं है वहाँ पर, जैसे इसमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, उसका एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, एट ए गिवन सेक्शन द पाइप द प्रेशर इज इक्वल टू दिस मच एंड द फ्लो वर्क इज इक्वल टू दिस मच, फ्लो व्हाट इज द फ्लो वर्क इफ दिस क्यूबिक मीटर, क्यूबिक 0.5 मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर, अगर इसका क्यूबिक मीटर वेलोसिटी है मतलब वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ये मिल गया, प्रेशर में ये मिल गया, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए फ्लो वर्क मिल जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द एंथैल्पी, एंथैल्पी निकालना है। अब 3 kg फ्लूइड दैट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम दिस मच 1.5 मीटर क्यूब, इंटरनल एनर्जी 3.5 मेगा जूल पर केजी, द प्रेशर इज इक्वल टू दिस मच, तो हम एंथैल्पी क्या जानते हैं, एंथैल्पी जानते हैं इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क, हम लोग इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क जानते हैं, एंथैल्पी क्या जानते हैं इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। अगर कैपिटल लेटर्स लिख रहे हैं मतलब ये पर यूनिट मास नहीं है, अगर स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात करेंगे मतलब पर यूनिट मास लिखेंगे, मतलब इसको डिवाइड करते हैं एम से, एम से यहाँ भी एम से, तो यहाँ पे कैपिटल एच बाई स्मॉल एम जो लिखे हैं इसको इस बोलते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी मतलब पर यूनिट मास, एंथैल्पी ऑफ द यूनिट मास, यूनिट मास के एंथैल्पी को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर जब पर यूनिट मास डिनोट करने लग गए तो कैपिटल एच के जगह पर स्मॉल एच लिखे, स्मॉल एच एक्चुअल में क्या है, स्मॉल एच इज द कैपिटल एच डिवाइडेड बाई एम, मतलब ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होता है, पर यूनिट मास वाला प्रॉपर्टी को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर यू मेरा इंटरनल एनर्जी है तो यू में अगर मास से डिवाइड कर देंगे, मतलब यूनिट मास के लिए अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो यू बाई एम को हम लोग स्मॉल यू बोलेंगे, और पी इंटू वी बाई एम, तो पी तो जैसा तस रहेगा, वॉल्यूम अपॉन मास को हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम देखे थे अभी भी बोले, तो एच बराबर यू प्लस पी वी, तो यहाँ पर देख सकते हैं एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये अगर पर यूनिट मास का एंथैल्पी है तो पर यूनिट मास का इंटरनल एनर्जी है, और ये फ्लो वर्क, फ्लो वर्क मतलब वर्क डन पर यूनिट मास, तो कहने का मतलब मेरे पास ये मिला एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये हमको चाहिए एंथैल्पी, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और मास भी दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे कीजिएगा, तो आपको पता है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, यू जो दिया हुआ है 3.5 मेगा जूल पर केजी, प्रेशर जो दिया हुआ है 0.3 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम दिया हुआ है वो वॉल्यूम अपॉन मास, ये क्या है स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता क्या है वॉल्यूम अपॉन मास होता है, वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 1.5 मीटर क्यूब और मास दिया हुआ है 3 kg, तो वॉल्यूम अपॉन मास यहाँ पुट कर दिए, प्रेशर ये पुट किया हुआ है और इंटरनल एनर्जी ये पुट किया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा 3.65 मेगा जूल, 3.65 मेगा जूल। थ्री पॉइंट सिक्स फाइव मेगा जूल
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इन टीएस डायग्राम। ये तो हम बहुत बार किए हैं, टीएस प्लॉट है, आइसेंट्रोपिक तो वर्टिकल लाइन होगा, आइसेंट्रोपिक मतलब वर्टिकल लाइन, अगर आइसोथर्मल होता तो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये तो पता है कि यहाँ पर आइसेंट्रोपिक पूछ रहा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इन टीएस डायग्राम रिप्रेजेंट वर्टिकल लाइन। द एक्सपेंशन इन द नोजल, नोजल में जब एक्सपेंशन अभी किए थे हम तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस हमेशा होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस याद रखिएगा, नोजल में जब भी एक्सपेंशन होता है तो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है एयर स्टैंडर्ड डिफिशियंसी ऑफ डीएल साइकिल। डीएल साइकिल का एयर स्टैंडर्ड डिफिशियंसी जो डीएल साइकिल का हम लिखे थे उसमें आपका गामा भी था, आरसी भी था और आरवी भी था। आरवी क्या है? वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन रेशियो। आरसी क्या है? कट ऑफ रेशियो। और गामा क्या है? एडियाबेटिक इंडेक्स। तो इसमें जिसको रेशियो पे स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं, इसको गामा क्या होता है? सीपी बाई सीवी, सीपी बाई सीवी, स्पेसिफिक हीट बाई कॉन्स्टेंट प्रेशर बाई स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो इस स्पेसिफिक हीट का रेशियो भी बोलते हैं। तो ये गामा पे डिपेंड करता है, कट ऑफ रेशियो पे डिपेंड करता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करता है, मतलब कह सकते हैं ऑल ऑफ द एबव पे डिपेंड करता है। और जहाँ कहीं पीछे हम लिखे थे डीजल साइकिल का, डीजल साइकिल का एफिशिएंसी, उसमें आप देख सकते हैं उसके एफिशिएंसी फॉर्मूला में सभी ऑल द पैरामीटर्स था, तो हम कह सकते हैं इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट इज सिस्टम विल्ड विद थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर तीन तरह का इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ हो तो उसको बोलते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब कहेंगे? जब तीनों इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो, ऑल ऑफ द एबव हो, तब उसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है? जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है कि देयर इज नो टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब यहाँ का टेम्परेचर वही है और यहाँ का टेम्परेचर यही है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं है यहाँ पर। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये डी एक्स, ये डी एक्स डायरेक्शन में था, तो चेंज इन टेम्परेचर अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू अगर जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इसका डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। डिफ्रेंशिएशन इसका पॉसिबल कब नहीं है? जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तब, मतलब टेम्परेचर जो यहाँ का टी है, यहाँ का भी टेम्परेचर टी है, तो डी टी बाई डी एक्स जो होगा, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू जीरो होगा, और जब ऐसा होगा तब उसको हम बोलेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सिमिलरली अगर हम प्रेशर, अगर सेम प्रेशर यहाँ की भी, यहाँ प्रेशर सेम है, तो देयर इज नो प्रेशर ग्रेडियंट, देयर इज नो प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट अगर नहीं होगा, दैट मीन्स ऐसा अगर नहीं होगा, दैट मीन्स ऐसा नहीं होगा तो मतलब क्या होगा? प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा तभी तो ऐसा नहीं होगा। तो प्रेशर अगर कॉन्स्टेंट होगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। तो प्रेशर अगर, प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम कह सकते हैं कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। मतलब कि हम ये भी जानते हैं कि यहाँ का प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए, यहाँ का प्रेशर कम हो जाए, तो कोई चीज़ इधर से फ्लो करने लगेगा, क्योंकि हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। तो हाइयर प्रेशर की तरफ लो से लोअर की तरफ के फ्लो करने लगेगा, दैट मीन्स वो मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो चीज़ फ्लो कर रहा है, मैकेनिकली फोर्स की वजह से फ्लो कर रहा है, प्रेशर की वजह से फ्लो कर, फोर्स कर फ्लो कर रहा है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट मीन प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। सिमिलरली केमिकल इक्विलिब्रियम की बात अगर करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम कब नहीं होगा केमिकल रिएक्शन? तो देयर इज नो मास ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट या मास ग्रेडियंट, डी एम बाई डी टी डी एक्स, आप जो भी समझो, डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, या डी पोटेंशियल, डी ऑफ म्यू केमिकल पोटेंशियल, म्यू को केमिकल पोटेंशियल कर बोले हैं, तो डी ऑफ म्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। दैट मीन्स जो होगा मास या केमिकल पोटेंशियल अगर कॉन्स्टेंट है तब के केस में वो केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। दैट मीन्स थर्मो, अगर तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ सेटिस्फाई होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो ये ध्यान रखना है।